हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक GNT में। और आज हमारे पास मी बैंड 3 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको इसके कुछ कमियों के बारे में बताऊंगा, जिसे आप परचेस करने से पहले आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कमियां पसंद ना आए और इस आप बैंड को परचेज ना करें। तो गाइस, आज मैं आपको कमियां बताऊंगा, क्योंकि फ़ीचर्स तो आपको बहुत सारे लोग बताते होंगे पर कमियां बहुत कम लोग बताते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे इसमें ये लगा कि जो स्क्रीन है, देख सकते हैं, थोड़ी 3D डिज़ाइन में आती है और थोड़ा ऊपर आता है इसका कैप्सूल। तो गाइस, इसमें जो स्क्रैचेस है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, और Xiaomi ने भी हमें कोई प्रोटेक्शन इसमें प्रोवाइड नहीं करी है। तो गाइस, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, और गाइस इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाएंगे, उसलिए आपको प्रोटेक्टर तो एक लगाना ही पड़ेगा जो कि 200 तक का आएगा। तो गाइस, आपको 200 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस बैंड में। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे ये लगा, वरना अगर आप प्रोटेक्टर नहीं लगाएंगे तो 30 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा बैंड ये स्क्रैच से भर जाएगा, क्योंकि ये 3D डिज़ाइन है तो स्क्रैच तो लगेंगे ही इसमें। और जो गाइस में सेकंड डिसएडवांटेज लगा इसका सबसे बड़ा, वो ये है कि जब आप इसे चार्ज करेंगे तो आपको इस बैंड के कैप्सूल को निकालना पड़ेगा, और इसे निकालने के लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा बैंड में, जिससे आपका बैंड टूट सकता है। देख सकते हैं आप, इससे आपका बैंड टूट सकता है। पर गाइस, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले से थोड़ा प्रेस करना है यहाँ, ठीक है, उसके बाद गाइस इसे थोड़ा ऊपर उठा लेना तो आसानी से निकल जाएगा। पर बार बार करने से ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये टूट जाए, क्योंकि बहुत पतला है। तो गाइस, Xiaomi को ये ध्यान रखना चाहिए था, हमें चार्जिंग देनी चाहिए थी बिना निकालने वाली कैप्सूल के, जैसे आपको Lenovo या Honor के बैंड्स में मिल जाती है। तो Xiaomi को कम से कम ये प्रोवाइड करना चाहिए था। गाइस, इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज मुझे लगा वो इसके डिस्प्ले में लगा। जो इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस देख सकते हैं आप, ये अभी सही कर दिया Xiaomi ने, पहले से बहुत बेटर कर दिया माई बैंड 2 से। पर गाइस, में अभी भी इन्होंने कलर डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करी है, जिससे आप अगर सन में देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि Honor हो गया या Lenovo हो गया, ये आपको कलर डिस्प्ले प्रोवाइड कर देती है इसी बजट रेंज में। पर गाइस, Xiaomi अभी तक नहीं कर रही है, जिससे सन में आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पर ये गाइस माइनर डिसएडवांटेज है, आप इसके साथ चल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सन में नहीं जाते तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंडोर के लिए परफेक्ट डिस्प्ले है। गाइस, इस बैंड का जो मुझे लास्ट डिसएडवांटेज लगा वो इसकी वाटरप्रूफिंग में है। गाइस, ये वाटरप्रूफ तो है, पर ये 580 mAh वाटरप्रूफिंग के साथ आता है। पर गाइस, जो इससे पहले जो MI बैंड 2 था वो IP67 के साथ आता था, तो IP67 इससे काफ़ी अच्छा है। IP67 से आप अगर उसे पानी में भी डाल के रखेंगे 15-20 मिनट तक तो उसको कुछ नहीं होगा, स्विमिंग करेंगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जो 580 mAh है उसके साथ अगर आप पानी में डालेंगे इसे 15-20 मिनट तक, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें ख़राब हो जाए, उसमें पानी चला जाए। और गाइस, ये स्प्लैश के लिए सही है, रेन में भी ये काम करेगी सही से। पर गाइस, ऐसा हो सकता है अगर आप स्विमिंग करें तो ये ख़राब हो जाए, या पानी में ज़्यादा देर तक डालें तो ये ख़राब हो सकती है। गाइस, ओवरऑल मुझे ये बैंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कम कंपनी आपको ये बैंड ऐसे फीचर्स के साथ प्रोवाइड करती है। इसमें डिसएडवांटेज गाइस थोड़े बहुत है, पर गाइस अगर आप उस डिसएडवांटेज के साथ मैनेज कर सकते हो इस बैंड को तो काफ़ी अच्छा है। मेरे लिए डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि ये काफ़ी फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है, तो इस बजट सेगमेंट में आपको ये बैंड काफ़ी अच्छा पड़ता है। बस इसको मुझे थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज इसकी स्क्रीन में लगी, क्योंकि प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा। पर गाइस, ओवरऑल मुझे इसका लुक और फील और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा इसके फीचर्स के साथ। बहुत ज़्यादा नए फीचर्स ऐड करे गए हैं MI बैंड 2 से, तो आपको ये बैंड गाइस ज़रूर से परचेस करने लेना चाहिए। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, अब वहाँ जाके परचेस कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस हमारे वीडियो देखने के लिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू गाइस।